ने भ्रष्टाचार के सभी मानबिंदुओं को पार करके नए बेंचमार्क्स ऐसे बना दिए हैं राजस्थान में जिस तरह से राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाते हुए सीरीज ऑफ पेपर लीक हुआ एक से लेकर के 19 बार तक लगातार राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक हुए उसके कारण से राजस्थान के सत्तर लाख युवा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे उनका भविष्य न केवल अंधकार में हुआ अभी तो सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की व्यवस्था पर से भी प्रदेश के लोगों का प्रदेश के युवाओं का और प्रदेश के ऐसे एस्पिरेंट युवाओं के परिवारजनों का विश्वास समाप्त हो गया उन सत्तर लाख युवाओं में से निश्चित ही अधिकांश युवा किसी गरीब के बेटे थे किसी साधारण परिवार के बेटे थे किसी किसान के बेटे थे किसी आदिवासी परिवार के बेटे या बेटी थे या किसी दलित परिवार के बेटे या बेटी थे जिन्होंने पेट काट करके इस आशा के साथ में कि बेटे के द्वारा किए गए परिश्रम के चलते हुए जब उसे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी उसके जीवन में एक स्थायित्व आयोग और साथ, साथ, साथ ही साथ परिवार का सम्मान भी एक बार फिर पुनः स्थापित होगा इस आशा के साथ में उन्होंने कठोर परिश्रम करके अपने बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया युवाओं ने भी एक बेहतर भविष्य की अपेक्षा में जिस तरह से रात रात भर जाग करके परिश्रम किया लेकिन अंततः उसका परिणाम पेपर लीक के माध्यम से उजागर हुआ